जय श्री कृष्णा। हम लोग लास्ट क्लास में बायोन फोर्स पढ़ रहे थे और बायोन फोर्स को हमने डिफाइन किया था कि बायोन्सी जो होती है वो थी वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। इस पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करी थी। आज कुछ सवाल हम लोग और बायोन्सी पे करेंगे। जैसे एक सवाल बायोन्सी पे ये आता है, टिपिकल क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा आपको, कि एक आइस क्यूब है, ठीक है, और ये जो आइस क्यूब है ये पानी में तैर रहा है, एक बर्फ का एक क्यूब है पानी में तैर रहा है। इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस दे रखी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ आइस ये दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए सभी लोग। इसमें क्या है कि ये तैर रहा है पानी के अंदर, तो अगर तैर रहा है तो तैरने का एक ही नियम है, कभी भी कोई चीज तैर रही है तो इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो जितने फोर्सेस लग रहे होंगे अपवर्ड उतने ही डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इसके अंदर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा अगर देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा होगा, बायोन्सी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर लग रहा होगा इसका वेट। फ्लोटेशन का मतलब यह है कि वेट जो होता है वो बायोन्सी के बराबर होता है। अब ये अगर फ्लोट कर रहा है तो mg जो आएगा वो b के बराबर आएगा। अब मास इसका होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। हम सीजीएस सिस्टम में काम कर लेते हैं, सीजीएस में काम कर लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि इसका एक्स हिस्सा पानी के अंदर तैर रहा है, एक्स हिस्सा पानी के अंदर तैर रहा है। तो अब जो m है इसका मास, टोटल मास होगा इसका वॉल्यूम यानी 10 का क्यूब इंटू डेंसिटी 1, ठीक है, नहीं डेंसिटी 0.9, डेंसिटी 0.9 इंटू जी, ये तो इसका वेट हो गया। और ये बराबर हो जाएगा बायोन फोर्स, बायोन फोर्स होता है वॉल्यूम सबमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम सबमर्ज में अगर आप देखें तो इतने पार्ट का ये वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम होगा, बेस एरिया तो हो जाएगा 10/10 और हाइट हो गई एक्स, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 10 × 10 × x इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 है इंटू जी। काट पीट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये 10 का क्यूब चला जाएगा, ये 10 चला जाएगा सारा, और एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ऊपर कितना है, तो इसके अंदर जो है वो तो 9 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। यानी अगर कोई आइस क्यूब तैर रहा है तो 10 सेमी का है ना, तो उसमें क्या 90% अंदर होगा, 10% ऊपर होगा। बर्फ का टुकड़ा जो है वो अगर तैर रहा है तो उसका मेजर पोर्शन इनसाइड होता है और थोड़ा सा पोर्शन आउटसाइड होता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, जैसे कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन दिख जरा सी रही है तो उसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऐसा एक तुमने सुना होगा ना, एक मुहावरा है टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो उसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ा जो अगर आइसबर्ग तैर रहा है तो दिखेगा वो जरा सा, है बहुत बड़ा, अंदर अंदर बहुत ही गहरा है लेकिन वो जरा सा दिखेगा। और ऐसा बताते हैं कि टाइटैनिक जो मूवी देखी होगी मेरे ख्याल से तुम लोगों ने नाम सुना होगा, तो टाइटैनिक डूबने की यही वजह थी। उसमें क्या था, पुराने जमाने में क्या होता था, सोनार वगैरह नहीं होते थे कि समुद्र के अंदर बेस भेज करके पता लगा ले कि अंदर सामने कोई रुकावट है कि नहीं है। तो वो टाइटैनिक जा रहा था, सामने कोई बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था,
तो वो देख नहीं पाए वो लोग, और जाके बर्फ के टुकड़े से टक्कर मार दी। आइसबर्ग एकदम पहाड़ जैसा था, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन देख नहीं पाया। रात भी थी और वो नहीं हो पाया, तो जाके टकरा गया उससे, टकरा गया टूट गया, तो पानी भर गया, फिर पानी भर गया तो बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 90% जब भी बर्फ का टुकड़ा पानी में तरेगा तो 90% जो है वो डूबा रहेगा और 10% बाहर रहेगा। ठीक है, अब इसी में एक और सवाल बनता है, एक और क्वेश्चन है, वो मैं लिख रहा हूं। फाइंड द मास एंड द मैक्सिमम मास दैट कैन बी केप्ट ऑन द आइसबर्ग so that it does not sink. आइसबर्ग या आइस क्यूब, मतलब जो भी आप समझो, आइसबर्ग बोल दिया मैंने, मतलब आइस का क्यूब जो है, ये जो सवाल है आइस क्यूब, इसके ऊपर अधिक से अधिक कितना मास हम रख सकते हैं जिससे कि ये डूबे नहीं। अधिक से अधिक सिमेट्रिकली रखना है मास को बीचों बीच, तो अधिक से अधिक कितना मास इसके ऊपर रखा जाए जिससे कि आइसबर्ग डूबे नहीं। तो अब इसके अंदर देख लीजिए भाई कि हम चाहते हैं कि ये ना डूबे, तो अधिक से अधिक कितना मास रख देंगे। अगर अधिक से अधिक मास रख देंगे तो बस ये जस्ट डूबने ही वाला होगा, तो उस समय की कंडीशन जो होगी, ये बस डूबने ही वाला होगा, और उस समय मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर जो मास रख दिया, यहां यही मैं फिगर बना देता हूं या अलग से बना देता हूं, यहां पे ये जस्ट डूबने वाला है और मैंने इसके ऊपर जो मास रखा हुआ है बस इससे जरा सा भी ज्यादा अंदर गया तो ये डूब जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर जो मास रखा हुआ है वो एम रखा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है इस पर जितना भी, अब चूंकि ये फ्लोट कर रहा है तो जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ऊपर की तरफ लगेगा। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो लग रहा है mg प्लस मास ऑफ आइस इंटू जी इज इक्वल टू बायंसी, ये लग रहा होगा। अब मैं सबको सीजीएस में लेके चलता हूं, सीजीएस में अगर लेके चलूंगा तो ये मास मुझे पता लगाना है। ठीक है, आइस का मास होगा आइस का वॉल्यूम इंटू आइस की डेंसिटी, तो आइस का वॉल्यूम है 10 का क्यूब, आइस की डेंसिटी है 0.9 इंटू जी, बायंसी होगा टोटल जितना डूबा हुआ वॉल्यूम है, पूरा का पूरा डूब गया इस बार, 10 का क्यूब इंटू 1 इंटू जी, यहां जाएगा। अब ये जी से जी चला जाएगा और सारे जी कट गए, ये 1000 आएगा, ये 900 आएगा, तो स्मॉल एम जो आएगा वो 100 ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम के बराबर जाएगा। मतलब सीधा सा हिसाब ये है कि जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो आपने डाउनवर्ड लिखा अपवर्ड लिखा बराबर कर दिया, ये इसको करने का एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है जो आपने बताया स्मार्ट तरीका है, तो ये कि आप इस तरह मत सोचो, आप तो सोचो कि इतने पार्ट की जो बायंसी है, जो जो नहीं डूबा है उतने पार्ट की बायंसी जितने वेट को बैलेंस करेगी भाई नया वेट होगा। भाई इतने पार्ट का जो वेट है, इतने हिस्से की जो बायंसी है वो पूरे आइस क्यूब के वेट को बैलेंस कर रही है, तो ये वाले पार्ट की जो बायंसी है उसी के बराबर होगा वेट। तो ये वाले पार्ट की बायंसी कितनी हो जाएगी, इसकी बायंसी होगी 10 × 10 × 1, ये हो गया वॉल्यूम सबमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 1 इंटू जी, ये बराबर जाएगा एम जी। ठीक है, तो ये जी से जी चला गया, एम की वैल्यू सीधे 100 ग्राम आ गई। एक तो ये तरीका था कि पुटर आइस का मास प्लस ब्लॉक का मास इज इक्वल टू बायंसी लिखो, दूसरा ये स्मार्ट तरीका ये है कि ये जो इतने पार्ट की बायंसी है इस आइस क्यूब के वेट को बैलेंस कर रही है, तो इतने पार्ट की बायंसी कितने एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर पाएगी, तो उसका एक्स्ट्रा वेट आप जो बचा हुआ पार्ट है जब वो डूब जाएगा तो उसकी बायंसी एक्स्ट्रा को बैलेंस करेगी। देखिए सवाल ये नया सवाल है, इसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा है, ध्यान से सुनिएगा सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं लिखा नहीं रहा हूं। लकड़ी का टुकड़ा है पानी में तैर रहा है और उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, सिक्का रखा हुआ है और ये एक बाल्टी के अंदर ये पानी भरा हुआ है। अभी क्या है कि मैं इस हाइट को यहां से यहां तक की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसको मैं एच मानता हूं और जो लिक्विड कॉलम है उसकी पूरी जो हाइट है उसको मैं एल मानता हूं। ठीक है,
ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पानी भरा हुआ है, पानी के ऊपर लकड़ी का टुकड़ा है और लकड़ी के टुकड़े के ऊपर सिक्का है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऐसे, ये डिस्टेंस h के बराबर है, ये l के बराबर है। अचानक से मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं सिक्के को उठाता हूं पानी में डाल देता हूं, सिक्का उठा के मैंने पानी में डाल दिया, तो सिक्का उठा के अगर पानी में डाल देंगे तो h और l की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, l की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, माने h बढ़ेगा घटेगा, l बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, तो इस पे असर क्या पड़ेगा, सोच के बताइए, थोड़ा सोचिए आप लोग भी। सिक्का रखा था, सब ऐसे रुका हुआ था, मैंने थोड़ी सी खुरापात सोची, ये सिक्का उठाया और इसके अंदर डाल दिया, सिक्का इसके अंदर डाल दिया, तो h की जो वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ेगा और l की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, h घट जाएगा, l कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। और राहुल, एल घट जाएगा और एच बढ़ जाएगा, चलो देखो, देखो क्या होगा, जैसे आप सिक्का उठाओगे, सिक्का भारी होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, सिक्का मेटल का ही बना होगा, जैसे सिक्का उठाओगे इसका वेट कम होगा सिस्टम का, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो एच की वैल्यू कम हो जाएगी। अब क्या होगा कि जैसे मान लो ये यहां चला गया, ऐसे चला गया, इतना पार्ट खाली हो जाएगा, इतना पार्ट खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर से आके पानी भरेगा, इधर से आके पानी भरेगा, तो L की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो L भी कम हो जाएगा, H भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएंगे, फिर से सिक्का, हाँ बिल्कुल, तो सिक्का जो है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम बहुत कम है ना उसका, पानी के कंपेरिजन में उसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो इग्नोर कर सकते हैं उसको, या 1/20 टाइम्स होगा असर, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, ठीक है, नहीं नीचे भी जाएगा, ये भी बात आ सकती है ना कि नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद उसकी वजह से ऊपर पानी लेवल बढ़ना चाहिए, ये कहना है ना आपका, तो उसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है पानी के कंपेरिजन में, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो उसका जो असर होगा वो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी में एक और सवाल आता है कि आदमी, आप नाव में बैठ के जा रहे थे स्विमिंग पूल में मान लो, या नदी में मान लो, मतलब ये मान लो कि वॉल्यूम उसका फिक्स है, स्विमिंग पूल में आप एक नाव में बैठ के जा रहे थे और आपने एक बोतल पानी उठा के पी लिया उससे, तो पानी का जो लेवल है उस पर क्या असर पड़ेगा, स्विमिंग पूल के लेवल पे क्या असर पड़ेगा, या मतलब नाव में बैठ के जा रहे थे, स्विमिंग पूल का पानी पी लिया आपने थोड़ा सा, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर मैथमेटिकली देखोगे तो भी कोई, जितना आप निकालोगे उतना ही आपका वेट बढ़ेगा और उतना ही लिक्विड अलग से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है, जो पानी आपका बढ़ा उसकी डेंसिटी सेम है, जो निकाला था उसकी, यहाँ सिक्का है, सिक्का होने की वजह से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो खैर ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अभी कुछ और सवाल करेंगे हम लोग, ये देखिए एक सवाल ये आ रहा है कि ये एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसका जो डेंसिटी है ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी सिग्मा है और शेल का इंटरनल रेडियस R1 है और एक्सटर्नल R2 है। पहले सवाल समझ लीजिएगा अच्छे से, शेल का मतलब ये नहीं कि ये दो शेल है, एक ही शेल है, इंटरनल रेडियस R1 यानी 0 से R1 तक ये टोटल खाली है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और R1 से R2 तक इसके अंदर मटेरियल है, मान लेते लोहे का ही शेल है, 0 से R1 तक खाली है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, R1 से R2 तक इसके अंदर मटेरियल है और ये आधा डूब के तैर रहा है, ये इस लिक्विड में आधा डूबा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं द स्फीयर floats half submerged, half submerged, हाँ मतलब स्फीयर है, अंदर से शेल है, जीरो से आर वन तक कुछ नहीं, बाकी आर वन से आर टू तक तो मटेरियल है इसमें, तो मैं स्फीयर बोल दिया, वैसे शेल है, समझा दिया मैंने, द स्फीयर फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी, इन ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा, द स्फीयर फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा, फाइंड द स्फीयर फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा, फाइंड द
डेंसिटी ऑफ एंड द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर लिख रहा हूं है स्फेरिकल शेल, ये आधा डूब गया, जीरो से आर वन तक टोटल खाली बिल्कुल कुछ है नहीं इसके अंदर, आर वन से आर टू तक इसमें मटेरियल भरा हुआ है और ये आधा डूब करके तैर रहा है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो आपको बताना है कि जो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो इसके अंदर देखा जाए भाई, ये जो सवाल आया है इसमें सीधी सी बात है, अगर तैर रहा है तो जो भी इसका वेट होगा वो बायोन्सी के बराबर होगा, बस इतनी सी बात है। अब इसका वेट निकालता हूं मैं, इसका जो वेट आएगा वो mg के बराबर होगा और ये बराबर हो जाएगा बायोन्सी। अब अगर मैं इसका वेट निकालूंगा तो इसका वेट आएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम जो आएगा, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू इसकी डेंसिटी में रो मान लेता हूं इंटू जी, ये तो वेट हो गया और बायोन्सी के बराबर होगा। अब बायोन्सी जो है वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा, डूबा हुआ वॉल्यूम, तो डूबा हुआ वॉल्यूम क्या होगा, पानी को नहीं पता है कि अंदर से खाली है कि भरा हुआ है, ये पानी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब ये इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये आधा हिस्सा जो है ये सबमर्ज्ड है, तो आधा हिस्सा ये सबमर्ज्ड है, ये जाएगा 2/3 पाई आर टू क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। काट पीट करेंगे तो एक तो जी से जी जाएगा, थ्री से थ्री भी चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, और हमें रो चाहिए ना, तो रो चाहिए तो रो हो जाएगा सिग्मा आर टू क्यूब बाई टू आर टू क्यूब माइनस सिग्मा बाई टू आर टू क्यूब अपॉन आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ये उसकी डेंसिटी आ जाएगी। yes. तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? no, किसी तरह की समझ में आ रही बात? yes. नोट कर लीजिए इसे। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि आप कार में बैठे हुए हैं और वो एक हाइड्रोजन वाला गुब्बारा जो है वो लेके बैठे हुए, हाइड्रोजन गुब्बारे को रस्सी से बांधो तो हवा में उड़ता रहता है, तो हाइड्रोजन वाला बैलून आप कार में लेके बैठे हुए, अचानक से आपके पिताजी आए, उन्होंने कार स्टार्ट की और एकदम से कार आगे की तरफ एक्सेलेरेट हुई, ठीक है, तो जो गुब्बारा हाइड्रोजन का हवा में लटक रहा था वो किधर जाएगा? आगे जाएगा, पीछे जाएगा, वहीं पे रहेगा कार के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन फिल्ड बैलून है जो रस्सी से बांध के और आप ऐसे लेके देख रहे हैं, उसको हवा में उड़ रहा था, अचानक से कार आगे की तरफ गई, तो वो गुब्बारा किधर जाएगा? आगे जाएगा कि पीछे? हाँ, कार के रिस्पेक्ट में वहीं पर रहेगा। हाँ, सोचिए, इसके अंदर एक सिलेंडर है जो इसमें फ्लोट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, नीचे वाला जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर वाला जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऊपर वाला जो लिक्विड है, ये जो बीच वाला लिक्विड है, इसका जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर अबव द एंड द हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर अबव द सरफेस ऑफ अपर लिक्विड फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर अबव द सरफेस ऑफ अपर लिक्विड, ठीक है। सिलेंडर की हाइट आपको बतानी, जो ऊपर वाला जो लिक्विड है, रेडियस नहीं दिया हुआ है इसका, ठीक है, बस ये बता रखा है सिलेंडर है, जो ऊपर वाले पीले रंग का जो लिक्विड मैंने दिखाया उसकी डेंसिटी 2 है और उसकी जो हाइट है वो 3 है, नीचे वाले की भी हाइट नहीं दे रखी है, और ऊपर आपको पूछा, आपको यही पूछा है कि ये कितना होगा, इसकी डेंसिटी है 1.5, इसकी डेंसिटी इस लिक्विड की 2 है और नीचे वाला सबसे भारी लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, जो सिलेंडर की हाइट है, ध्यान से देखिएगा,
10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 3 सेंटीमीटर यहीं पर हो गया, तो आपको पता लगा ना कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, सॉलिड, एकदम सॉलिड, एकदम सॉलिड, बिल्कुल।